असल हीरो का तो सोजा हो जा हमारा कब हमारो जानी ललचा के हरे जिला में बात गरीबों का नहीं सुनवाई होगा तो जिला कैसा है। आजपुर प्रखंड भी गाणू है, ब्लॉक अधिकारी गाणू है, ब्लॉक के अधिकारी लोग गाणू है, थाना भी गाणू है। राजपुर थाना नहीं दिया हमें, सोई लाठी बांध करके मारा है। 20 दिन मुंह से ब्लेड बिगे है। तारा चंडी अम्बाला हॉस्पिटल का दवा कराए, मैं अवती हॉस्पिटल में दवा कराए, कागज देखो, बोलने से क्या होगा। की बहू है और आपकी पत्नी है, अपनी राजा मंदी से उनके पास रह रही है कि जबरदस्ती रह। जबरदस्त दलीप जादो है और यहाँ का लोहा जादो है और यहाँ का शहर का तमाम लोग, जितना गुंडा है तमाम लोग है, तमाम गुंडा लोग आपकी पत्नी और आपके बहू के आबरू के साथ खेल रहे हैं। हाँ, कचहरी में लोग गलती किया था, गोली खाने का कोई इतराज नहीं, मैं मरना चाहता हूँ। अन्याय बक्सर जिला में नहीं हुआ, ये जिला हिंजड़ा जिला है, तो अन्याय कहाँ से होगा। इसलिए कोर्ट कचहरी पर प्रशासन, ये प्रशासन है डाकू है कि दबा देता है, डाकू से मिल जाता है, रुपया ले लेता है, प्रशासन का पेव सरकार नहीं देता है। देश भर के प्रशासन का उर्दी पेटी उतर जाना चाहिए, मैं ये कहूंगा। हम लोग देहात में लोग गश्ती करने जाएगा तो बर्छी पेल करके प्रशासन के मुंह आएंगे। हाँ, जितना हम लोग को दुख दिया है। दोस्तों, बिहार में किस तरीके से दलितों पर अत्याचार और जुल्म शोषण हो रहा है, इस बात का जीता जागता सबूत है ये व्यक्ति। लेकिन जहां हम वीडियो बना रहे हैं, ये बक्सर जिला का आप देख सकते हैं, ये संग्रहालय गेट है और गेट पर एक व्यक्ति हमको चिल्लाते हुए नजर आए। जब इनको चिल्लाते हुए देखा तो मुझको लगा कि लगता है कोई पागल व्यक्ति होंगे, लेकिन जो घटना बताए और वो जो वास्तविक सच्चाई इन्होंने बताई, अगर इस चीज़ को सुनिएगा सर ना, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और आपको थुआएगी इस न्यायिक प्रशासन पर कि किस तरीके से प्रशासन है और कैसे यहाँ के लोग हैं जो कि एक गरीब व्यक्ति पर इतनी जुल्म करते हैं कि इनकी पत्नी और इनकी बेटी को जो है उठा कर लेकर जाते हैं और उसके साथ अय्याशी करते हैं, और ये पिछले 27 वर्षों से हो रहा है। पूरा मामला क्या, पहले नाम बता दीजिए। हमारा नरसिंह राम नाम है, लड़का चार गो लड़का है, संजय, धन जी, अमिताभ बच्चन। क्या मामला है, किस मामले को लेकर आज संग्रहालय गेट पर आप चिल्ला रहे थे? हमारे परिवार ने गांव में गई, गांव में बरियारी पकड़ कर लोग। परिवार में कौन परिवार? हमारे औरत और अहिर लोग। और बोल रहे थे बेटी भी थी आपकी? कोई बेटी को बाद में पकड़ा है लोग। अच्छा, बेटी भी पकड़ाई है? बहू बेटी एक ही होती है, बहू भी पकड़ाई है। हाँ, थाना भी मिला है, राजपुर ब्लॉक भी मिला है, हर हम ऑल इंडिया, रूस, अमेरिका, कर्नाटक, कुहिला तक हमको लोग खदेला है। हाँ, तो एक बात बताइए, शुरू से घटना क्या हुआ था, कैसे? शुरू से मैं कहता ही है कि गांव में गई, दारू पिला कर लोग गलती किया, आज तक लोग गलती कर रहा है, घूम रहा है, एक रुपया नहीं दिया हमें, सोई लाठी बांध करके मारा है, 20 दिन मुंह से ब्लेड बिगे है, तारा चंडी अम्बाला हॉस्पिटल का दवा कराए, मैं अवती हॉस्पिटल में दवा कराए, कागज देखो, बोलने से क्या होगा। तो फिर जो आपकी बहू है और आपकी पत्नी है, अपनी राजा मंदी से उनके पास रह रही है कि जबरदस्ती रह? जबरदस्ती। और ये जबरदस्ती रखने वाला कौन व्यक्ति है? जितेंद्र केदार दिनेश। पूरा नाम बताइए। और जो है सो मास्टर है, पूरा नाम बताइए इनका। यादव है तीनों। कौन कौन नाम बता दीजिए? गोपाल जी गणेर है। नाम बता दीजिए, क्या नाम है दोनों यादव का जो बताए नाम, तीनों का क्या नाम है? यहाँ जी के पाल जी है। हाँ, पाल जी का भी नाम बता दीजिए और यादव का भी। पाल जी का नाम नहीं जानते हैं, पाल जी कहता है, हमारे सखुआ ने स्कूल पर पढ़ाता है। कौन कौन यादव लोग हैं? दलीप जादव है और यहाँ का लोहा जादव है और यहाँ का शहर का तमाम लोग, जितना गुंडा है तमाम लोग है। तमाम गुंडा लोग आपकी पत्नी और आपके बहू के आबरू के साथ खेल रहे हैं। हाँ, कचहरी में लोग गलती किया था, गोली खाने का कोई इतराज नहीं, मैं मरना चाहता हूँ, मैं मर जाऊंगा वो ठीक है, लेकिन ऐसा शासन नहीं सहना चाहते हैं। हाँ, ये कितना साल हो गया इस मामले? 27 वर्ष हो गया, 27 वर्ष। 27 वर्ष आप न्यायालयों का चक्कर काट रहे हैं लेकिन न्याय नहीं मिला? ना, ये अन्याय बक्सर जिला में नहीं हुआ, ये जिला हिंजड़ा जिला है, तो अन्याय कहाँ से होगा। कैसे हिंजड़ा कह सकते हैं? हाँ, काहे हिंजड़ा जिला, हमारा बात नहीं सुना तो हिंजड़ा नहीं बनाएंगे, कोर्ट कचहरी सब गलती किया है तो हिंजड़ा नहीं बनाएंगे। आप FIR किए हैं? एक आपने सुनता है, दरोगा नहीं केस लिखा, राजपुर का दरोगा ने केस नहीं लिखा,
आपकी पत्नी का क्या नाम है? दुर्गावती देवी। और आपके बहू का? भाई फोटो लो, ज्यादा बात करने की कोई नाम बता दीजिए, नाम बताइए। दुर्गावती देवी। और बहू का नाम क्या है? बहू का नाम है नहीं मालूम। विद्याचली देवी। विद्याचली देवी। देखो तारा चंडी हॉस्पिटल में दवा कराए, कागज भी देखो, तारा चंडी हॉस्पिटल में दवा कराए। अविनाश थोड़ा सा इसको देखो, सिकंदराबाद फैक्ट्री में जा करके ढूंके, फिर भी लोग जान नहीं छोड़ा। ये पुराना डाटा दिखा रहे हैं और जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं किस तरीके से इनके साथ जाती हुई है, और इनके क्षेत्र के रहने वाले आपके गांव ही के रहने वाले? हाँ, गांव ही का, अगल बगल का सब रहने वाला है। गांव कौन से रहने वाले हैं जो ऐसा काम किए हैं? उलाला चक, सीतापुर, सब भरा हुआ है, तमाम देश का अहिर लोग रंगबाज है। हरेंद्र मुखिया भी इसमें शामिल है? हाँ, हरेंद्र मुखिया भी है, हरि नारायण भी है, डफदार भी है, वीरेंद्र भी है, हाँ तमाम बभनवलिया का लोग है। हाँ, और ये जितने सारे गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं आपके पत्नी और आपकी बहू के इज्जत के साथ खेलते आ रहे हैं और अभी भी खेल रहे हैं। हाँ, देखो उसका फोटो लो। दोस्तों ये कितनी विडम्बना की बात है ना कि ये एक व्यक्ति है जब इस यहाँ पर ये फोटो लोग हॉस्पिटल में तियारा बाजार में क्या घटना है इसको दिखा दो अविनाश। दोस्तों आप भी तियारा बाजार का घटना है, देखो ये है। ये कौन है, आपकी पत्नी है? हाँ यही पत्नी है मेरा। ये कौन है? ये दोनों है? दोनों है, दोनों। बहू का नहीं फोटो है? बहू का है। कौन? हमारा औरत का फोटो है, बहू का फोटो नहीं है। अच्छा, बहू का फोटो नहीं है लेकिन बहू का भी अपहरण किया गया है। हाँ, तो ये देख सकते हैं कि राधे श्याम डाकू सखुआना के और तमाम डाकू से मिला हुआ है। हाँ, इनको डाकू क्यों कह रहे हैं आप? के राधे श्याम चमार को वही पकड़ करके महिलाओं सीट था ना, महिलाओं सीट हम वार्ड में एक बार जीते थे, महिलाओं सीट में उसी में लोग ये पकड़ा था, राधे श्याम डाकू ने पकड़ा था। अभी गुंडन के बेच करके देखो ये क्या कर रहा है। दोस्तों आपको भी लग रहा होगा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति होंगे, लेकिन वाकई में जो डाटा बोल रहे हैं इस बात में बिल्कुल जो है 100% चाहिए। और हमने पिछले वीडियो में भी आपको ये वादा किया था कि आपको दिखाएंगे कि राजपुर प्रखंड में कि नहीं पूरे अगर बक्सर जिला की बात करें तो जो SC/ST पर सबसे ज़्यादा अत्याचार जिस जाति का है वो है यादवों का, और यादव किस तरीके से दलित लोगों पर शोषण और अत्याचार जुल्म करते हैं इस बात का जीता जागता सबूत है ये व्यक्ति। इस व्यक्ति के जिनकी पत्नी है और इनकी बहू है पिछले 27 वर्षों से इनके शरीर का शोषण कर रहा है, और शोषण करने वाले कोई और नहीं बल्कि इस जिले के सबसे ताकतवर और गुंडा प्रवृत्ति के यादव जाति के रहने वाले लोग हैं। बाकी और कहां कहां कब से भटक रहे हैं यहां पर कार्यालय में आप लोग? हम 4 बार यहां आए थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमको 100 लाठी कहने पर 100 लाठी बांध करके लोग मारा था, 20 दिन मुंह से ब्लेड बिगे, ये तारा चंडी हॉस्पिटल में दवा कराए। तो क्या लगता है कि अब आपको उम्मीद नहीं मिल पाएगी? हाँ, हमारा तो यही उम्मीद है कि सब जब वही है तो हमारा परिवार कहाँ मिल पाएगा। तो इसलिए कोर्ट कचहरी पर प्रशासन, ये प्रशासन है डाकू है कि दबा देता है, डाकू से मिल जाता है, रुपया ले लेता है, प्रशासन का पेव सरकार नहीं देता है। देश भर के प्रशासन का उर्दी पेटी उतर जाना चाहिए, मैं ये कहूंगा। हम लोग देहात में लोग गश्ती करने जाएगा तो बर्छी पेल करके प्रशासन के मुंह आएंगे। हाँ, जितना हम लोग का दुख दिया है प्रशासन देश का। ये व्यक्ति का जो गुस्सा है वो गुस्सा ऐसे ही नहीं निकल रहा है, कहीं ना कहीं इसके परिवार पर जो विपत्ति आन पड़ी है उसी वजह से व्यक्ति गुस्से में है, और गुस्से वजह से ये व्यक्ति बोल रहा है, कहीं ना कहीं इनका जो है गुस्सा जाइए। दोस्तों संविधान के आर्टिकल 14 यह कहता है विधि की समानता की बात करता है, लेकिन किस तरीके से इस देश में असंवैधानिक काम हो रहा है और किस तरीके से संविधान का चीरहरण हो रहा है इस बात का जीता जागता सबूत है। उम्मीद है इस वीडियो को आला अधिकारी इस वीडियो को देखते हैं और इस जिले के जो जिला अधिकारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसे जो कार्रवाई किया है और ऐसा जो हरकत किया है उसको इस व्यक्ति को इंसाफ दिलवाइए, और जो ऐसे मामले में संलिप्त है उन पर कार्रवाई करवाइए।